जय हिंद, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पैट के पैट का जो सिलेबस है उसको हम कवर करेंगे, पूरा देखेंगे क्या क्या इसमें आता है, कौन सब्जेक्ट कितने मार्क का होता है। चलिए इसमें देखते हैं, ये टोटल 100 मार्क का होता है, इसमें जो है 2 घंटे का समय होता है। इसमें पहला इसमें जो है हिस्ट्री, इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ये जो है 5 अंक का आता है। अब इतिहास में किस किस टॉपिक से आता है क्वेश्चन, पहला है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा वैदिक संस्कृति से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर है बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएँ उनके बारे में, फिर जैन धर्म, महावीर स्वामी जीवनी शिक्षाएँ, फिर मौर्य सम्राट अशोक के बारे में आता है, गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अगला है हर्षवर्धन, राजपूत काल के बारे में आता है, जो है राजपूत काल, और सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज का विजय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, फिर है ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है उसके बारे में भी आता है, और फिर आगे है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये 5 नंबर का आता है। इसमें स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष जो है, शुरुआत के दौर जो थे उसके बारे में आता है। दूसरा दिया है स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की जो उसमें भूमिका होती है ये पढ़ना है। अगला है क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, फिर है विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। अब ये 10 नंबर हो गया। अगला हमारा है भूगोल ज्योग्राफी, इसमें से कितने नंबर का आता है, भारत एवं विश्व का भौगोलिक भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़ियाँ, हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन हो गया, खनिज संसाधन हो गया जो विशेषकर भारत में है, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल। अब इसमें है जलवायु तथा मौसम और टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन तथा प्रवास। अगला है फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, 5 नंबर का ये आता है। इसमें जो टॉपिक हैं दिए गए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1951 तक के बारे में, योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, और वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था थी, वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार हुए, जैसे कृषि ढांचा का सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, GST। अगला है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, ये भी 5 नंबर का आता है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध इसके बारे में आता है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बारे में आता है, और फिर है जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं। फिर GS जनरल साइंस से जो आता है प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है साइंस से, जनरल साइंस से, और है प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अर्थमेटिक, पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इन सबसे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और फिर है सामान्य हिंदी 5 नंबर की, इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, समश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य शुद्धियाँ, लेखक और रचनाएँ, गद्य एवं पद्य के, तो हिंदी में ये सब जो है आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। इन टॉपिक को हमको जो है तैयार करना है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला है सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश, इसमें
अंग्रेजी व्याकरण जो होता है उससे आते हैं कुछ क्वेश्चन, और उसमें आपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं। फिर है रीजनिंग, 5 नंबर का आता है, बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, इसमें संख्या अक्षर दोनों वाला होता है। फिर है निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। फिर इसमें आता है करंट अफेयर, 10 नंबर का होता है, भारतीय एवं वैश्विक से 10 नंबर का आता है, तो इसको भी तैयार करना है। अगला है सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, ये भी 10 नंबर का होता है, भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति। और इसमें भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, पुस्तक एवं विजेता, तो ये सब है इसमें। और फिर आगे है जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, उसी में ऊपर वाले का है। फिर है आपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, 2 गद्यांश इसमें 10 नंबर का आता है हिंदी का। और फिर एक ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ इसमें 10 नंबर के आते हैं, और तालिका व्याख्या विश्लेषण 10 नंबर का आता है। तो ये जो है सभी इसका सिलेबस हो गया जो पेट का है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख के अपना तैयारी कर लीजिएगा।